नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश और आप देख रहे हो स्टडी हेल्थ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। तो दोस्तों आरपीएससी की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, दोस्तों आज ही आई है, क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं आरपीएससी से जुड़ा कोई भी नया वीडियो लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आरपीएससी की एक और लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, जिसमें कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 के रिजर्व लिस्ट और कट ऑफ आ चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों किन किन का सिलेक्शन हुआ पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको पीडीएफ की ओर ले चलता हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं आप देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी। हाँ दोस्तों तो ये दिनांक भी देख सकते हो, आज की दिनांक लगी हुई है 5/9/2018। उसके बाद अगर बात करें तो कॉलेज यहाँ पर नीचे हम आपको पूरी बता देते, कॉलेज व्याख्याता हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2014 के लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी हेतु आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 30/7/2018 तक एवं दिनांक 4/9/2018 को आयोजित किए गए। संबंधित सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित सूची तैयार की गई है। आरक्षित सूची में निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया। तो दोस्तों इन रोल नंबर वालों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा इन विद्यार्थी नियुक्ति हेतु अभिव्यवस्थित किए जा सकेंगे। तो दोस्तों ये हैं कुछ रोल नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने रोल नंबर भी देख सकते हो वहाँ पर आए। तो रिजर्व मेरिट एंड हिंदी कट ऑफ मार्क्स, पूरी जानकारी हिंदी कट ऑफ मार्क्स आए हैं दोस्तों, तो पूरी जानकारी मिल रही है आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कैटेगरी जनरल के लिए आप यहाँ पर जनरल फीमेल के लिए और वुमेन के लिए दोनों के रहे हैं 171.92। तो दोस्तों उसके अलावा बाद विडो की बात करें तो विडो में रहे हैं 122.96। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो जनरल में रहे हैं मेल में रहे हैं 157.83 और वीमेन में रहे हैं 150.54। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी का जनरल और वीमेन दोनों में रहे हैं आपके 168.18। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद अगर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तो बात करें कैटेगरी के पीएच तो बीएलवी की बात करें तो आपके 131.74 रहे हैं, वहीं बीएलआई की बात करें 57.71 है। ऑलरेडी अवेलेबल इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, दोस्तों इसमें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश निम्नलिखित 53 विद्यार्थियों को परिणाम शील्ड कवर में रखा गया है। दोस्तों इनका शील्ड कवर में रखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका है तो नहीं, आपका है या नहीं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको इसमें मिल जाएगी दोस्तों। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।